हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम एकदम सुबह सुबह का टाइम ही है, जबकि थोड़ा थोड़ा धूप निकल रही है। देखिए थोड़ा थोड़ा धूप निकली है बढ़िया। तो अभी मैं कपड़े डाल रही हूँ, ये कपड़े हैं कल वाले नहीं सूखे थे, तो वही मैं छत पर ला के डाल रही हूँ। तो ये छत पे जो चारपाई रहती है वही चारपाई हो, तो छत पे ही आई हूँ मैं चने के साग लेके। तो इसको ऐसे साफ़ करेंगे, चारपाई में ऐसे से झाराते जाएंगे तो जो कीड़े वगैरह होंगे वो नीछे गिर जाएंगे। तो चारपाई में जो छेद रहते हैं, छिद्र रहते हैं, तो उसी के जरिए साफ़ हो जाते हैं चने के साग, कीड़े नीचे गिर जाते हैं जो रहते हैं। तो ऐसे तो मार्केट की नहीं है, गाँव की ही है, गाँव से लाए हैं, गाँव खेत से है। तो ये बढ़िया ताज़ी ताज़ी है, हरी हरी एकदम ताज़ी साग है। तो इसको हम पहले साफ़ कर लेते हैं। ये साफ करके लाए छत से, अब इसको हम यहाँ पे धुल लेते हैं। तो धुल के बाबू हमारा सो रहा था, हम चले गए थे छत पे इसको छोड़ के, उसको साफ करने के लिए चने के साथ। तो अब हम इसको धुल लिए हैं, ये धुल गया हमारा, फ्रेश हो गया। तो इसको रख देते हैं, हम छील लेते हैं। लहसुन ज़्यादा रहता है तभी अच्छी लगती है इसके साथ, तो लहसुन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डाला जाता है इसमें, लोग डालते हैं। इसको हम छील लेते हैं लहसुन, फिर उसके बाद हम नहाए उहाएंगे, फिर उसके बाद बना। अब हम चलते नहाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर काटेंगे। तब तक इसका पानी जो है निथल जाए, मतलब नीचे हो जाए सब्जी का। तो चलते हैं नहाते हैं, फिर उसके बाद मिलेंगे। तो हम नहा चुके हैं, नहा के अब जा रहे हैं चने के साग को काटने। मुश्किल काम है, ट्राई करते रहते हैं फिर भी मुश्किल रहता है करना, इसको काटना। बाबू इसको काटेंगे हम कटमासे से, परसू से, परसू बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। थोड़ा मुश्किल काम है, इतना ज्यादा है इतना सब नहीं बनाएंगे, जितने में हो जाए उतना ही काटेंगे, फिर और बाद में बनाएंगे। थोड़ा मुश्किल काम है, ऐसे बारीक बारीक इसको काटना पड़ता है, खूब बारीक, जितने महीन काट लो, जितने बारीक काट लो। हाँ काट के, काट दे दीजिए ना, काट दे दीजिए। किसको? देखिए दो दिन बोली नहीं, अच्छा दीदी हमारे यहाँ है एक पालक, पालक नहीं भैया कभी खाई है नहीं, आपको गेम पर सिखाओ पालक। ऐसे बारीक बारीक काटना पड़ता है, जितने बारीक इसको काट लो, जितने बारीक जो काट ले उतने अच्छे कटेगी। तो हमसे तो ऐसे बन रहा है, लेकिन जो पुराने लोग होते हैं, मम्मी लोग, दादी लोग, वो लोग बहुत मस्त इसको काटते हैं गाँव में, किसी अच्छा काटने लगे, किसी से परसों से बहुत मस्त काटते हैं बारीक। बाबू पक 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 कर रहा है, बाबू नया घर बन रहा है, बाबू का नया घर बन रहा है। बाबू बोला मेरा घर नया घर बनने का टाइम हो रहा है, और बाबू का नया घर। इतना हम काट लिए हैं, इतना रख दिए हैं, ज्यादा है तो इतना फ्रिज में रख दिए बाद में बनाएंगी, और इतना चल रही हूँ बनाने। ये हम काट लिए हैं इस तरह से, और इतना गिर गया नीचे, इसको हटा देती हूँ। अब बनाते हैं, इसमें बनाएंगे आयरन की कढ़ाई में, मस्त बनती है आयरन की कढ़ाई में, मस्त बनती है इसको बनाएंगे आयरन कढ़ाई में। चाहिए लेकिन एकदम ठंडे पानी से, ठंडी में ठंडे पानी से, अच्छा गर्मी में गर्म पानी से नहाओ, डालेंगे उतनी अच्छी लगेगी। ठंडी में ठंडे पानी से, गर्मी में गर्म पानी से, तेरी ज्यादा तीखा हो जाएगा तो फिर बाबू नहीं खाएगा यार। ये गर्म हो गए कढ़ाई, तेल तो इसमें, तेल इसमें ज्यादा लगता है, कुछ आम सब्जियों के मुकाबले इस सब्जी में तेल ज्यादा लगता है, तभी इसका टेस्ट बढ़िया बनता है। इतना डाल दिए हम तेल, वाह क्या खुशबू है। इसका मेन होता है हींग, हींग हींग के बगैर इसकी सब्जी में कोई टेस्ट नहीं।
इतनी बारीक वाली है, एकदम बारीक, तो जल जाएगी, इसको डालेंगे बाद में। लहसुन मिर्च डालने के बाद डालेंगे, बता रही हूँ कैसे मैं बनाती हूँ, पिछले साल बनाई थी तो शेयर की थी। अब डाल देती हूँ इसमें हींग, लहसुन पकने वाला है, तब मैं हींग ले जाती हूँ। टिक रहा है, इसकी सब्जी में पानी थोड़ा ज्यादा लगता है, तो रख लेती हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा। कलर बहुत अच्छा है, कलर है ग्रीन 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 होते हैं पौधे और सब पेड़ और पौधे, ग्रीन पौधा तो है, पौधे तो है, हाँ हाँ, ग्रीन नेचर का कलर होता है ना, पौधे तो है, फल थोड़ी है, वही ना। और फिर कुछ बोल रही, गरम गरम नहीं हुआ, गरम होने के लिए ये भून गई, ज़्यादा नहीं, ये इतना पानी डाल दिए इसमें, इसमें पानी ज़्यादा लगता है थोड़ा, तभी ये बढ़िया पक पाएगी, तो भी ये पानी जलते जलते टाइम लगेगा, घंटों तो लग ही जाएगा, घंटों। और डाल देती हूँ, इसको ढक देती हूँ, थोड़ा उबाल आ जाएगा, जिसमें डालेंगे चावल, चावल। एक चूहा परेशान करके रखा है, ये दिन में आके कमरे में घुस गया है, पता नहीं कहाँ से आ गया है, तो उसको हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मारेंगे, ज़्यादा नहीं, मार जान से नहीं मारेंगे, मार देंगे एक आध दो झाड़ू तो डरने लगेगा, शायद भाग जाए तो ना आए, तो ये रूम में घुस के बैठा है टीवी के पास, तो वही जा रहे हैं हम लोग उसको डराने मारने। तो ये भाग गया चूहा, हम लोग मार नहीं पाए, इन्वर्टर है सीढ़ी नीचे, सीढ़ी नीचे घुस गया चूहा, लेकिन वीडियो नहीं बना। दो चार झाड़ू मार ही लेंगे ताकि डरे जान, एक झाड़ू लगा, एक झाड़ू लगा, अरे मां कहां भाग गई, इतना जल्दी भाग गया थी, अब गया है पापा अभी, तो तब नीचे कुछ आ रहा है, उसी बैठते हैं तो बोलता जिस दिन बढ़िया उसी को ऊपर, तो ये हमारा उबलने लगा है पानी, मतलब थोड़ा थोड़ा पक भी गया, तब इसमें डाल देते हैं चावल, तो इतना डालेंगे चावल इसमें, ताकि चावल इसके साथ साथ पक जाए, इतना चावल डाल दिए, चावल खाने में बनाएंगे आज, दाल नहीं बनाएंगे क्योंकि इसकी सब्जी चावल में भी अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी, हाँ, तो यही सब्जी आज चावल से भी खा लेंगे, रोटी से भी, तो खाने में बनाएंगे हम सब्जी चावल रोटी, तो चल रहे हैं आटा लगा लो, भी पक रहा है, है? तो ये बन के रेडी है, तो ये हमारी इतना पक गई, और इसको ऐसे ऐसे चला देंगे तो ये आपस में एकदम मिल जाएगी, तो थोड़ा देर ऐसे इसको चलाना पड़ेगा और पक जाए और मिल जाएगी हमको एकदम से बढ़िया, चावल जो दिख रहा है एकदम उसी मिल जाएगा, मालूम नहीं चलेगा इसमें चावल डाला है, तो इसको ऐसे ऐसे, ये भी थोड़ा मेहनत वाला काम है, थोड़ा ऐसे चलाना पड़ता है इसको, और ये चिटक भी जाता है कभी कभी हाथ में चलाते चलाते, तो ये भी देखना पड़ता है चिटके ना हाथ में, जल जाएंगे जल जाएंगे, तो ऐसे ऐसे इसको मस्त चलाना पड़ता है, और हमारा चावल पक गया है, अब रोटियाँ हम और बना लिए हैं, अभी और बनानी है, चार पाँच रोटी बना ली है और बनाएंगे, चावल पक गया चुका है, चावल बन जाए तो चलते हैं देते हैं सबको, और मम्मी सब सकते हैं, पक गई हमारी सब्जी और अब निकाल रहे हैं खाने के लिए, देने जा रहे हैं अपने पति देव को,
चावल रोटी और सब्जी, चावल रोटी सब्जी। चलो कहाँ है लीजिए, अच्छा खा लो। ये हमारा खाना, हम भी अब खा लेते हैं, सब लोग खा चुके हैं, मैं फिर बस बची हूँ, मैं खा लेती हूँ। वाह देखूँ बड़ी सब्जी, सारी सब्जियाँ फेल है सब्जी के आगे। सब्जी कैसे बनी थी यार, अरे अब जो तारीफ कर दीजिए। ठीक रही, मतलब ज्यादा नहीं, अरे अच्छी थी, 100% कितना अच्छी थी, 20। हम पूछने के लिए टहल टहल के खा रहे हैं, बताइए 98। एक दिन की तारीफ कर दीजिए, झूठे तारीफ कर दीजिए, सबको तो बहुत अच्छी लगी, मिट्टी को बाबू को। हाँ खाया है बाबू, भी खाया है ना, वो बहुत खाता है ऐसी सब्जी, इस बार बना के बहुत खाता है, खाया है, खूब बढ़िया भी खाया।